ये है स्कर्दू जो कि रात के कम से कम 10 से 11 बज रहे हैं, और हम अपने दोस्तों के साथ जब बाहर निकलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि रास्ता भले कितनी सर्दी हो और कितनी लंबी हो। आइए स्कर्दू में हम इंजॉय करेंगे और पिज़्ज़ा खाने, वो भी इस रात को। तो अपने दोस्तों के साथ जो कि काफ़ी अरसे बाद मुख्तलिफ़ शहरों से आए हैं, कराची से, जो कि मोहम्मद भाई के हाथों हम खाएंगे पिज़्ज़ा। एक्सपीरियंस बोलते हैं। अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ जब पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिल हो तो मोहम्मद भाई ने हमें अपने हाथों के पिज़्ज़ा बनाने के लिए लाया था, और ये मोहम्मद भाई जो कि पिज़्ज़ा बना रहे हैं हमारे लिए, अपने दोस्तों के लिए, और मज़े से हम खाएंगे। अभी जो तैयारी का जो सिस्टम है वो हम आपको दिखाता चलूं। फ्राई पैन और ये हमने डो तैयार कर लिया है और इसमें लगाएंगे और कुछ देर बाद इसको यीस्ट के लिए रखेंगे और फिर हम इंजॉय से खाएंगे। जब पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमारे पास सॉस ना हो, मतलब टोमेटो केचप वगैरह, अब हम आए हैं चिली गार्लिक और ब्लैक पेपर लेने, तो हम ये लेंगे और बनाएंगे मज़े से पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो मैंने आप सबको वादा किया था कि हर वीक एक से दो वीडियो मैं लगातार अपलोड करता जाऊंगा, तो आज मेरी दूसरी वीडियो है और रमज़ान के 10वां रमज़ान, जो कि हम आए हैं स्पेशल पिज़्ज़ा बनाने, और हमारे दोस्त और अज़ीज़ दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जो कि दूसरे शहरों से आए हैं, और मिले ये हमारे इसरार भाई जो कि चाइना से स्पेशल आए थे। तो हमने इसरार भाई को कहा था कि हम आपको पिज़्ज़ा खिलाएंगे, और इसरार भाई इंशाल्लाह हमारे जो पिज़्ज़ा होंगे ना बहुत मज़े के होंगे। जो शेफ ऊपर बैठा हुआ है मोहम्मद अली, आपके हम आपको जब आएंगे उसके हाथ के हम पिज़्ज़ा खाएंगे, और अभी हम थोड़ा गपशप करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको पिज़्ज़ा के सॉस। अब हमारा फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है, अब हम इसके ऊपर करेंगे डेकोरेशंस मज़े की तरह लगे, ताकि पिज़्ज़ा जो हो जाए बहुत मज़े के और चीज़ियस हो जाए। इसके ऊपर हमने लगाया है ओनियन, ओलिपिनो जो ब्लैक कलर के आपको नज़र आ रही होगी, और टोमेटो और ओनियन लगाया है। अब बारी है सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करने के लिए, ओवन में लगाएँ ताकि हम चीज़ियस पिज़्ज़ा हम आपको दिखा सकें। लो जी, अब हमारा हो गया है पिज़्ज़ा तैयार। एक ये रहा और एक वो, अभी ये एक और पिज़्ज़ा बना रहे हैं,
क्योंकि हमने टेस्ट करेंगे और ये काट दिए। अब हमारे पास आ गया है पिज्जा, आ गया है पिज्जा। अब हमारे दोस्तों के लिए हम लाए हैं स्पेशल पिज्जा। और इसरार भाई आपने टेस्ट करना है, ये हमारे शेफ मोहम्मद भाई बहुत मेहनत किया है। खाने के बाद हम इसका रिव्यू देंगे, फीडबैक देंगे मोहम्मद भाई। खत्म हो के अब हमने दूसरे मंगवाए हैं। चले जी, अब जो आए जी, आए ना अब जो। अब हमारा हो गया पिज्जा खत्म, पेट हो गया फुल। अब बारी आती है रिव्यू और फीडबैक के। लोगों से पूछेंगे इस मोहम्मद भाई ने कैसे पिज्जा बनाया था। शुरू करेंगे एक एक बंदे से, तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद भाई जी, सर भाई आप बताएं पिज्जा के बारे में जो कि शेफ मोहम्मद भाई ने बहुत मजे का बनाया था। ये मैं दे रहा हूँ, ये फंस गया सी है। 215 टू डिलीशियस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। टू डिलीशियस। ओह माय गॉड, आप 10 में से कितना नंबर देंगे? 15। और 10 में से 15 5 एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा 5 एक्स्ट्रा। जी जी श्याम भाई, ओके परफेक्ट। और बुलु भाई, ऐसा पिज्जा मैंने स्टोर में कहीं नहीं खाया था। ये मार साले का खोपड़ी तोड़ रहे पे, यही एक ही रेस्टोरेंट है, काफी जगहों पे मिलता है। चल झूठा। यहाँ पर मोहम्मद भाई के हाथों के जो टेस्ट है ना, बाकी में आप कराची में मिलेंगे जी। मैंने मोहम्मद भाई के हाथ के पिज्जे पहले भी खाए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए ये आज जो इसने बनाया ना, 10 out of 10। ओए जो मोहम्मद भाई, हाँ जी अली भाई, लास्ट टाइम तो मजा आया, बहुत इंजॉय। बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, खर्चा तो इसरार भाई ने किया था। भाई मोहम्मद भाई, आपने अपने खर्चे से हमें अपने हाथों से भाई मोहम्मद है। गाइस ये रहा आज का हमारा एक छोटा सा व्लॉग। बहुत मजा है रमजान में, तुम्हें पिज्जा मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने मोहम्मद भाई के से बहुत मजे के पिज्जा खाए काफी अरसे के बाद। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाइक को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज। यारा जी ऐसी शुगर मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। शुगर मेले का शुगर मेला काम का काम हो गया, लगा ही रखो शुगर मेला। नहीं नहीं सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए।